मैं तो पढ़ूंगी, नौकरी करूंगी और खूब ऐश करूंगी और आपको भी करवाऊंगी। इस मर्तबा क्लास में टॉप करने वाली लड़की का नाम है कुरतुल ऐन। मैं पढ़ना चाहती हूँ बड़े अबू। तो बेटा किसने मना किया है पढ़ने से? मैं वादा करता हूँ तुमसे, जितना पढ़ना चाहोगी मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। माँ मेरे ना एग्जाम्स होने वाले, बताए कैसे फोकस करूंगी मैं अपने एग्जाम्स पे? पढ़ाई लिखाई सब छुड़वा देंगे आप लोग, कोई कुछ नहीं छुड़वाएगा तुमसे, ये मेरा वादा है तुमसे। चूड़ियों की वजह से ही तो मेरी अम्मी मेरा पूरे स्कूल में मजाक बन गया है। मैं जब एग्जाम दे रही थी ना तो ये जो सारी चूड़ियां है ना, ये चन 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 कर रही थी। सारी लड़कियां मुझे घूर घूर ही देख रही थी, मैं तो तैयार हो गई थी। फैमिली पापा ने मुझे जबरदस्ती ये चीजें बनाई, मुझे तो पढ़नी भी नहीं थी। मेरे पूरे नंबर कैसे आ सकते? इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों ने मेरे सर पर डाल दी है, कैसे करूंगी मैं पढ़ाई पे फोकस? ये पढ़ने नहीं जाएगी, जब तक जहीर का 40वां नहीं हो जाता कोई इस घर से बाहर कदम नहीं निकालेगा। तुम्हें लगता है बड़े अब्बा के बाद ये सब तुम्हें स्कूल से आगे बढ़ने देंगे? आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता फैसला, किसी भी चीज और किसी के लिए भी मैं अपनी एजुकेशन को नहीं छोड़ूंगी। वैसे मेरा मशवरा तुम्हें यही होगा कि तुम अपनी पढ़ाई को और घर के कामों को बैलेंस करो, वरना किसी एक काम से हाथ धोना पड़ जाएगा तुम्हें। तुम अच्छी तरह जानती हो कौन सा काम होगा। रिजल्ट बहुत अच्छा आया मेरा, लास्ट में आईएएस मार्क्स आए मेरे। तू सुन, रोने वाली क्या बात है यार, खुश हो? आखिर मुझे आगे पढ़ना है, एक ही पढ़ाई तो मेरा मेरा सब कुछ है। मैं पढ़ने से कौन रोक रहा है? मेरी मम्मी उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहती कि मैं आगे पढ़ूं, पढ़ाई छोड़कर घर के कामों में हाथ बटाऊं। अगर वो पढ़ना चाहती है तो हम क्यों उसको रोक रहे हैं इस चीज पे? मुझे तो नहीं समझ आ रही कि क्यों मसले खड़े हुए जा रहे। अभी तो मुझे आपकी बहुत सारी दुआओं की जरूरत है। दुआ करें कि मेरे पसंदीदा कॉलेज में ना मेरा एडमिशन हो जाए। वैसे तो मैंने 3 कॉलेजेस में एडमिशन लिया लेकिन मेरा दिल है कि हाईटेक इंजीनियरिंग में ही हो। तुम हिम्मत नहीं हारोगी, तुम्हें अब बहुत सारा पढ़ना है, ये ख्वाब पूरे करने, बहुत आगे जाने मेरा बच्चा। अम्मा ने बड़ी अम्मा से वादा तो कर लिया लेकिन मैं घर के काम और पढ़ाई साथ हैंडल नहीं कर पाई, तो तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हारी माँ है ना, सब संभालूंगी, लेकिन तुम्हें दिल लगाकर पढ़ना है। यानी पढ़ाई को साथ लेके चलना और घर के कामों को साथ लेके चलना एक बहुत बड़ी बात होती है पाकर। तुम्हारी लिए खुद क्रिएट की भी प्रॉब्लम्स हैं, छोड़ देती पढ़ाई, किसने बोला था कंटिन्यू करो? पढ़ाई छोड़ देती, आज तुम कह रहे हो पढ़ाई छोड़ देती, कल तुम कहोगे सांस लेना छोड़ देती। हरी बातें मानू मैं तुम्हारी, आखिर ये बात तुम्हें भी पता है कि पढ़ाई मेरा ख्वाब, तालीम हासिल करना मेरी खुशी है। मुझे छीनो मत। नहीं ना वो बच्चे, यानी क्यों रो रही हो? क्या कुछ था तो हुआ क्या है, क्यों रो रही हो इतना? मेरे मामा कॉलेज से कट गया, मेरी सारी मेहनत सब हो गई। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे ख्वाब नहीं बिगड़ने दूंगी। यानी मैं फिर मेरी बात से बात करूंगी जाके प्रिंसिपल से, मैं बात करूंगी, वो तुम्हें एक मौका जरूर दे देंगी। अगर एक और मौका भी दिया ना उन्होंने अम्मा, अकल नहीं कि मैं मेरी जिंदगी में जो तो चलता आ रहा है वो तो चलेगा। इस माशरे में ना अम्मा कोई भी नहीं समझेगा कि तालीम जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है।
शादीशुदा लड़कियों के लिए पढ़ाई को लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है। कभी तो लड़कियां खुद पढ़ाई छोड़ देती हैं और कभी तो ससुराल वाले छुड़वा देते। कितने मजबूर होता है ना। देखो एनी, अपनी मजबूरी को ना अपनी कमजोरी मत बनने देना। फाकिर, मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरी चीज है ना, वो मेरी पढ़ाई है। क्या हो गया? आम बाप इतना लाड की बात। क्या हुआ? खैरियत तो है? क्या हुआ? सर तक क्या रही हो? पास हो गए? और बहुत अच्छा लग रहा है। I would like to invite the star of our university, Quratulain Habib. Please welcome her. मैंने पूरी जिंदगी एक ऐसे घर में गुजारी है जहाँ की औरतें चार दीवारों में बंद होती थी। ना ही उनकी कोई राय होती थी, ना ही मर्जी। मुझे पता था कि वो दुनिया मेरे लिए नहीं। एक औरत को तालीम देंगे तो उसके पास नस्लें बदलने की ताकत है। वो कौम कभी जाहिल नहीं रहेगी जिसकी औरतें पढ़ी लिखी होंगी। आज से हम सब एक वादा करते हैं कि अब बच्चों के हाथों में मेहंदियां नहीं, किताबें होंगी। थैंक यू।